एक बच्चा अपना परिवार इसलिए छोड़ता है कि बाकी सदस्य भरपेट खाना खा सके और आगे चलकर वो बच्चा महान बॉक्सर मैनी है तो कुछ भी हो सकता है अगर डायबिटीज की बीमारी को चुनौती देकर स्विमर गैरी हॉल जूनियर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है और अगर किडनी फेलियर की वजह से दो बार ऑपरेशन करवाने के बावजूद फुटबॉलर इवान क्लासनिक अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों इंसान को गरीब उसके हालात ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी बनाती है इसी सोच के साथ वेलकम टू तो द अनुपम केयर शो कुछ भी हो सकता है <प्राण> बड़े शहरों की चकाचौंध में छोटे शहरों की परछाई कहीं खोसी जाती है बड़ी बड़ी इमारतों के बीच मोहल्ले कहीं धुंधला से जाते हैं गाड़ियों के शोर में शांत हो जाती है चबूतरे पर लगी बैठक की आवाज और सूट बूट की चमक में फीका पड़ जाता है बूशर्ट और पैंट का अंदाज दोस्तों ये कोई कविता नहीं बल्कि हमारे देश की सच्चाई है हम क्यों छोटे शहरों को नजरअंदाज करते हैं हम क्यों नहीं ये समझते कि शहर छोटा हो सकता है इंसान नहीं उसका घर छोटा हो सकता है लेकिन उसकी सोच नहीं दोस्तों आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो मेरी कही भी बातों का एक जीता जागता है। इनका शहर छोटा जरूर था लेकिन इनके सपने बड़े थे अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और काफी तकलीफ भी सही इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे धुरंधर बैट्समैन में से एक प्लीज वेलकम सुरेश राजा ये कमाल है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं मगर इतनी देर तक तालियां नहीं मारते उनके लिए तो हाँ। <laughs> क्रिकेटर्स का स्टार्डम कमाल है ना अच्छा सर अच्छा है। <laughs> अरे कितना ये माँ का बहुत प्यारा बच्चा है आपकी खूबसूरती का राज क्या है आप तीन सौ पैंसठ दिन खेलते हैं है? मतलब फील्ड में दौड़ रहे होते हैं भाग रहे होते हैं परेशान इट्स नॉट ए बैठे बिठाई कोई चेस की गेम नहीं है मीन आई एम श्योर उसमें दिमाग लगता है हाउ डू यू पीपल आप फ्रेश कैसे लगते हैं सर वो घर का खाना और माँ बाप का आशीर्वाद और जब देश के लिए आप खेलते हो तो एक अलग जुनून रहता है अंदर आपके और फिर सारे लोगों की दुआएं तो चेहरे पे नूर अपने आप आ जाता है अरे वाह <laughs> तो आपने बड़ी जद्दोजहद की है मैं पढ़ रहा था आपके बारे में आपके फादर साहब क्या करते थे सर वो आर्मी में थे और ऑनेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे तो कश्मीर में एक जगह है रैनावाड़ी वहाँ पर थे हम लोग काफ़ी छोटे में मैं क्रिकेट खेलता था काफ़ी भैया थे मेरे ऑफिस में खेलते थे तो मैं फील्डिंग करने जाता था सर तो सैटरडे संडे को मैचेस होते थे आफ्टरनून में मुरादनगर एक जगह है वहाँ पर हमारे एक गुरु क्लब था वहाँ पर एक गुरुजी थे हमारे जो वो बोलते थे कि सिर्फ सोनू को फील्डिंग कराएंगे और शाम को कुछ खाने को दे देंगे सोनू इज यू यस सर योर यसर अच्छा तो मैं फील्डिंग करने जाता था सर कि थोड़ा फील्डिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे थोड़ा खेलने को मिलेगा मैंने कहा मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए नहीं। सिर्फ मुझे फील्डिंग करनी है मुझे ग्राउंड पे रहना है और खेलना है और जो एज ग्रुप था वो काफ़ी बड़े थे सर सारे के सारे भैया लोग ऐसे एक भैया नहीं आए थे उनको कुछ काम था तो उन्होंने बोला कि अभी सुरेश को बैटिंग कराते हैं और देखते हैं कैसे करता है तो उस मैच में थोड़ा अच्छा बैटिंग किया तो उस दिन से थोड़ा वो खिलाने लगे मैं उस था साल का। साल का। सर। सर ओल्ड थे प्रैक्टिस करने क्या है सही है सर वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट होता था सुबह अच्छा और पापा सोते थे तो मैं टाइम देखता था सर कि कोई लाइट नहीं जलाऊं तो किसी को डिस्टर्ब ना हो तो एक दो बार वो तिल्ली पापा के तकिए पे गिर गई थी जल के तो थोड़ा अच्छी सा हजारों <laughs> लाखों बच्चे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खासियत थी कि यू गॉट सेलेक्टेड फॉर अंडर अंडर 19 फर्स्ट सर मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो बॉम्बे में मैं क्रिकेट खेला था अंडर 19 से पहले फर्स्ट क्लास खेला यूपी के लिए अंडर 14 खेला अंडर 16 खेला अंडर सेवनटीन इंडिया खेला फिर अंडर नाइन्टीन इंडिया खेला तो मेरा एयर इंडिया में मुझे स्कॉलरशिप मिला था तो मैं बॉम्बे में तीन साल खेला हूँ सर यहाँ पर सी सी आई में भी हमें प्रैक्टिस करने को मौका मिलता था तो उस टाइम सर सचिन प्रैक्टिस करने आते थे ग्राउंड पे अगर सचिन ग्राउंड के सामने हमारे साथ अगर नॉकिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं फिटनेस कर रहे हैं तो फिर एक बिलीफ आए कि जब पाजी खेल सकते हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ तो उनको देख के एक जोश था और जिस तरह से वो जूनियर से बातें करते थे तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हाथ मिलाया कि आप कहाँ से हो मैंने कहा पाजी मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिला है तो अच्छे से वो बात कर रहे थे कि मतलब वो दो मिनट ही काफी थे सर तो वो तो वहीं से मेरी जो लाइफ जैसे आपका शो का नाम है लाइफ में कुछ भी हो सकता है तो मैंने वहाँ बिलीव किया तो बहुत माइल्ड थे आपकी लाइफ में सचिन को मिलना मगर एक छोटे से 12 साल के बच्चे के अंदर मन में क्या चलता था सर यही था कि बस मेहनत करनी है खूब और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया सर लखनऊ में, 1998 में तो गुरु गुरु सर। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में सर काफी रैगिंग सर सीनियर थे काफी मतलब मैं छोटा था मामा से दूर इतना कभी देखा नहीं था कि मैं कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं गया था सर तो गाजियाबाद से सीधा लखनऊ जाना बहुत बड़ा टास्क था वो सीनियर थे जो कुछ परेशान करते थे जैसे आप आपको कपड़े धोने हैं और प्रैक्टिस नहीं करनी है तो उस टाइम थोड़ा टफ था क्योंकि इतनी दूर से आते थे सर रात को मैं दो बजे धोता था तो मैं दो से तीन बजे तक कपड़े धोता था उसके बाद सुबह पाँच बजे उठता था इन्जॉय नहीं कर रहा था मैं अपनी लाइफ एकदम छोटा था हमेशा डर लगता था कि वो लोग मुझे मारेंगे और जो मारते भी थे सर वो लोग और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं क्या करूंगा अभी मेरा लाइफ बिल्कुल मतलब बन भी सकता है और टूट भी सकता है तो फिर मैंने सोचा अभी हो गया मुझे घर जाना है तो मैंने अपने कोच साहब को बोला दीपक सर को कि सर मुझे घर जाना है थोड़ा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे सिर्फ दस दिन दे दीजिए फिर मैं आता हूँ तो उन्होंने मुझे फिर परमिशन दी उसके बाद मैं जब घर गया तो उसके बाद मैंने एक दो महीने नहीं गया सर मैं घर वालों को क्या बोला आपने सर मैंने उनको बोला था कि मैं सिक लीव लेके आया हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक है मुझे कुछ चेकअप कराने तो मम्मा थोड़ा परेशान हो गई कि चेकअप छोटी सी उम्र में सब ठीक है क्या है तो फिर भैया के साथ मैं रात को एक बार वॉक कर रहा था तो मुझे सब पूछ रहे थे वो कि क्या हुआ तुम कभी ऐसे कभी करते नहीं हो ऐसे कि घर में भी खेलते थे अभी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और अच्छी स्टडी करो और खेलो भी तो फिर मैंने भैया को बताया दिनेश भैया को कि ऐसे मुझे रैगिंग करते हैं और ये है तो भैया ने फिर बोला कि आपके पापा आर्मी में है इतना पैसा नहीं है पांच भाई हैं एक सिस्टर है और सबको तो वो थोड़ा टची बातें उन्होंने बोली भैया ने कि, कि मुझे एक मौका था सर वो दोबारा बनाने के लिए तो उसके बाद जब मैं दोबारा गया तो फिर मैं वापस नहीं आया सर वहाँ से वाह उस को और एक साल जब मैं खेला तो मैं टूर्नामेंट मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी सर दो हजार रुपए तीन हजार रुपये महीना मिलता था तो फिर तीन महीने के बाद तीन साल के बाद जब मैं मुझे एयर इंडिया में बॉम्बे में मैं टाइम शील्ड ट्रॉफी होती थी सर यहाँ पर खेलते थे तो सर ने मुझे बोला कि आप इंडिया के लिए खेलोगे मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूँगा हमारे जो वराडकर सर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और पिंगे सर थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया यंगस्टर का तो सब सीखने को काफ़ी मिलता था सर बॉम्बे और बॉम्बे की क्रिकेट सर हमेशा से एक चैलेंजिंग रहती थी सर प्लेयर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ थी सर वो एक यूपी के गाँव से कोई लड़का आ रहा उसके लिए बहुत बड़ी थी सर वो तो एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी सर आप मेहनत करते रहोगे और कोई ना कोई आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिलेगी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी सर एक और आपके जो भाई जिन, जो वन ऑफ द दिनेश जिसका ना जिन्होंने रात को उस दिन आपको लेक्चर दिया था जी 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 वट डू सर वो टीचर है स्कूल में अच्छा। गाज़ियाबाद में एक स्कूल है सर उसमें टीचर है सर वो और सबसे अच्छी बात है कि वो मेरे फादर फिगर है सर वो भाई तो हैं ही लेकिन हमेशा वो अच्छी चीज़ें बताते हैं कि क्या लाइफ में करना है कैसे आपको रहना है और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है सर क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए थे क्योंकि 12 साल की उम्र में सर बोर्डिंग स्कूल में जाना और फिर वहां पर आठ साल मैं कभी फिर उसके बाद घर ही नहीं गया सर वो वही जो छुट्टी मिलती थी उसमें जाता था लेकिन मॉम डैड को काफी मिस किया वो टफ टाइम था क्योंकि तो उस टाइम मुझे थोड़ा से मस्ती करनी थी थोड़ा स्कूल बंक करके जो सब लोग करते हैं वैसा करना था लेकिन उस टाइम में बारह तेरह साल आपके में... भाई बड़े दुखी होते थे जब आप स्कूल बंक करते थे <laughs> पर आप किसी किसी ना दिन कोई कोई ट्रॉफी ले आते थे कुछ ले आते थे सर एक बार हम लोग खेलने गए थे सर मंसूरपुर एक गाँव था हमारे वहाँ से गाजेवा से तो वहाँ पर हम लोग खेलने गए तो हम लोग सर उनको लगा सर सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे तो एक मैच हम जीते तो फिर उन्हें गाँव गाँव वालों ने बोला कि कल सेमी फाइनल है फिर शाम को फाइनल हो जाएगा तो मैं रात को घर वालों को पता ही नहीं सर मैं कहाँ पर हूँ फिर मैं फ़ोन भी किया रात को घर वालों उस टाइम फोन नहीं होता था सर घर पे तो पड़ोस में किया वो साढ़े दस बजे तक सो गए थे सर पड़ोसी फिर तो उसके बाद जब मैं घर आया तो सर दो दिन मेरी बहुत पिटाई हुई सर ये हमारी ये हमारी ऑडियंस बड़ी कमाल की है ये मार पिटाई पे जरूर ताली मारती है <laughs> किसने मारा था सर पापा ने मारा था भैया ने जो बड़े भैया ने उन्होंने मुर्गा बनाया था सर आधे घंटे अच्छा <laughs> तो सर फिर पटा लिया था बाद में पापा को बोला कि आप उस तरह के लगते हैं जो आसानी से पटा सकता है इंसान को <laughs> कोशिश की सर थोड़ी तो बट यू आर नॉट ऑल दैट सिंपल एंड भोला भाला नहीं है अभी मैं ध्यान से देख <laughs> सा, सा इंग्लैंड का टूर था उसमें हमें उस टाइम पंद्रह पंद्रह साल का था सर तो हमारे कोच थे सर रॉबिन सिंह सर तो उस टाइम इंडिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर थे सर तो उसमें राइडू था सर मैं था मनिंदर बिस्ला था इरफान पठान था काफी सारे यंगस्टर थे जो इंडिया के लिए खेले सर बाद में तो वहाँ पर खेला तो उन्होंने मेरे जो यूपी के सिलेक्टर थे गोपाल शर्मा सर तो उनको बोला कि इस लड़के को पंद्रह साल में आपको रणजी ट्रॉफ़ी खिलाना चाहिए और ये लड़का बहुत टैलेंटेड है और मैंने इसको देखा है दो महीने इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी काफ़ी मेहनत करता है तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट मैच खिलाया पंद्रह साल की उम्र में तो फिर मैंने दो साल सर अच्छा परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफ़ी में विद गॉड ब्लेसिंग और उसके बाद एक ऐसा मौका मुझे मिला सर मैं कैम्प में था फिटनेस कैंप हुआ था सर हमारा बैंगलोर में तो hmm. so, मैं जब रूम में जा रहा था तो मुझे फिर सिलेक्टर ने बोला कि आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो गए हो hmm. और आपको श्रीलंका जाना है टू में सर फिर हम लोग का फर्स्ट टूर था सर श्रीलंका के साथ वन डे वाला सर you... सर एंड देयर यू पहली बॉल पे जीरो पे आउट हो गया था व्हाट डिड यू फील क्या महसूस हुआ सर so, मैं पहले तो प्रेशर था कि मैं खेल रहा हूँ कल इंडिया का मैच खेल रहा हूँ और जो मैं चाहता था करना वो मुझे मिल रहा है कल मतलब सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी सर तो गाने भी सुन लिए और सबसे बातें भी कर ली टीवी भी देख लिया लेकिन वो इधर दिमाग में मैच चल रहा था कि ऐसे खेलना है ऐसे करना है तो फिर बहुत रेस्टलेस था सर वो कामनेस एकदम आ नहीं रहा था बॉडी में तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर भगवान का नाम लिया सो गए सर फिर मुरली सर है सर मुरलीधरन श्रीलंका के बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो तो पहला बॉल सर उन्होंने मुझे कट का दिया मैंने सोचा कट मारता हूँ तो वो दूसरा डाल दिया और मैं लेग बिफोर पहली बॉल पे फिर उस रात को फिर नींद नहीं आई सर <laughs> अच्छा <laughs> तो उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ आए मेरे पास कि तू क्यों उतना परेशान है मैंने कहा नहीं राहुल भाई फर्स्ट मैच मिला और आउट हो गया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप ऐसे क्रिकेटर हो आपकी फिटनेस अच्छी है आप फील्डिंग अच्छा करते हो तो एक रनआउट करके दिखाओ आप तो फिर मैंने सर एक अटापट्टू को रनआउट किया था अच्छा तो एक मतलब तो जोश में खेल रहे थे उस टाइम युवराज सिंह थे हमारी टीम में और मोहम्मद कैफ थे वो फील्डिंग को हमेशा लीड करते थे तो मैं भी जब छोटा था वो मुझे सपोर्ट करते थे कि ऐसे फील्डिंग करेंगे ऐसे हमको प्रेशर बनाएंगे सिंगल नहीं देंगे तो उस सिंगल में जब हमने प्रेशर बनाया पांच छः ओवर उसमें तो मैंने एक रनआउट किया तो फिर राहुल द्रविड़ काफी इंप्रेस हुए थे सर वो मेरे कैप्टन थे वनडे टीम के तो उन्होंने बोला फिर फिर शाम को मैं मैं दुखी था आउट क्यों हो गया जीरो पे तो कह रहे कोई बात नहीं ये क्रिकेट अच्छा काफी अच्छा लगा सर उस टाइम वो लोग लो इतना अच्छा बात करते राहुल मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मोटिवेशनलो ये सर जब जीरो पे आउट हुए थे घर पे बात की थी खेलने से पहले किया था खेलने के बाद नहीं किया सर तो उन्होंने देख लिया था टीवी पे आ गया था आपकी लेकिन फिर वो घर वाले भी थे कि इंडिया के लिए खेल रहा है वो मेरी मम्मी पापा मैच नहीं देखते सर उनको थोड़ा प्रेशर लगता सर। तो अच्छा। वो वो है सर वो तो वो हाइलाइट्स देखते हैं जब मैं अच्छा करता हूँ उसकी हाईलाइट देखते हाँ, देखते सर वो <laughs> 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 इस दौरान आपकी आपके बेस्ट फ्रेंड कौन बने सर जब इंडिया इंडिया के लिए खेला 2005 में इरफान था और धोनी भाई थे उस टाइम वो 2004 में खेले थे मैं 2005 में खेला था और वो सीनियर थे सर कैब भाई मेरे स्टेट के थे प्लस यू भी पाते जो हमेशा बोलते थे फिटनेस में ध्यान रखना और इंडिया के लिए खेलने का से अलग ही जुनून रहता था उनके चेहरे पर सर इतने सालों से वो सब अच्छा करके आए तो जब आप इंडिया की जैसी पहन के जब ग्राउंड जाते हो तो सब फिर आप कुछ सब भूल जाते सर फिर उसका लगता है कि बस आप जाओ और बस देश को मैच जिताओ सर आपको सब जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में ए, कोई ना कोई आ, काम किया या हिस्सा लिया आपको उनके सबके नाम याद हैं सर। इसके पीछे छोटे शहर का होने की खासियत है या यू जस्ट आर थैंकफुल टू देम कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हो तो उससे सारी चीज़ें आपको मिलने लगती है तो आप फिर जो पीछे चीज़ें मिल होती हैं लाइफ में और आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं टफ़ टाइम में जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भूलने लगते हैं पर मैं हमेशा से सर उस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया मैं छोटी खुशी में काफ़ी खुश रहता हूँ सर बड़ी अच्छा। खुशी से थोड़ा डर लगता है सर मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर और वो और वही मेरी स्ट्रेंथ है सर मम्मी पापा जब सोते हैं रात को तो उनको लगना चाहिए उनके बच्चे कुछ फ़ील कर रहे हैं उनके लिए उनके लिए वही काफ़ी है सर वो तो मैंने हमेशा वो फील किया है सर और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो उनके साथ मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं सर बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत आई थिंक आपने तो बहुत सारे साल नहीं गुजारे अपने माँ बाप के साथ आप पढ़ने चले गए थे बट एक छोटे शहर में एक टुगेदरनेस बहुत होती है yes, जैसे मुझे आपके और आपके भाई का वो सीन mm -hmm. मुझे वो सीन कभी भूलेगा नहीं जो रात को उन्होंने आपको लेक्चर दिया था जी, आ, मुरादनगर में ये सर सर रात को हम जो हमारा आर्मी का एरिया था वहाँ पर हम घूमने जाते थे खाना खाने के बाद तो वहाँ उन्होंने तीन घंटे मुझसे बात किया था और वो भी सर बहुत अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल के तो कुछ ऐसा उनको लगा कि नहीं खेलना है अभी यू नो मुझे पढ़ाई करनी है और तेरे बाद में सबसे बड़ा हूं, मुझे भी पूरा फैमिली को लुकआफ्ट करना है वो सब जब सारी चीज़ें करते हैं तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है सर तो मुझे वो बोलते हैं सिर्फ तू देश के लिए खेल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए तू जा और स्माइल कर ग्राउंड पे जितना एंजॉय करना है कर ले क्योंकि इतने सारे लोग खेलना चाहते हैं देश के लिए तो उसमें से एक है अगर तू देश के लिए खेलेगा देश का नाम रोशन करेगा इससे बड़ा तुझे ऊपर वाला कभी तुझे कुछ नहीं दे सकता तो वो सर लग जाम द सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट आपने दिनेश के लिए क्या किया सर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कुछ सोचता हूँ करने के लिए तो वो मुझे सर बोलते हैं तू क्रिकेट खेल मुझे पता है तू क्या सोचता है लाइफ में मेरे लिए वो मेरे लिए काफ़ी है तो वो जब भी मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ तो फैमिली के साथ जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो मुझे सिर्फ बोलते हैं कि जब तू रन बनाता है तो मुझे खुशी मिलती है और जो छोटी छोटी चीज़ें घर में होती हैं सर और थैंक्स टू तो आई कि जितने भी परिवार के बच्चे आई में खेले गरीब घर के उनको पैसा मिला अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं अपने भाई को अपनी बहन को और इन दैट मैटर्स अपनी वाइफ को तो पैसा मिलेगा तो सर लाइफ अच्छी होगी और उसके साथ फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले सर उससे ज़्यादा और क्या चाहिए सर आप? आपके फादर ने आपको एक दो हज़ार रुपये का बैट दिया था यस सर पहला गिफ्ट ये कहाँ है वो बैट सो रखा है मेरे पास घर पे अच्छा मैं हमेशा रखता हूँ सर वो जब मैं हॉस्टल में गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए और ये तेरी जिंदगी का जैसे मुझे आर्मी में, में मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और ये तेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि सब कुछ मिलेगा लाइफ में लेकिन रेस्पेक्ट जो तुझे मिलेगी वो कभी भी कभी भी कुछ हो सकता है तो उसको हमेशा संभाल के रखना और हमें अपने गुरु जी का, अपने, अपने का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना क्रिकेट अभी ग्लैमर से जुड़ा हुआ है बहुत यस सर और उस जहाँ ग्लैमर होता है वहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी मैंने कहीं ज्यादा देखी नहीं है आप कैसे बचा सर

मैंने सर अलग देखा वो अपनी जब उसकी बेटी होने वाली थी तो मैंने उसको पूछा वर्ल्ड कप में तो मैंने कहा अब नहीं जाने वाले हो कह रहे नहीं मेरे लिए कंट्री कम्स फर्स्ट तो सर वो वो जब ऐसे लीडर टीम में है तो सर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और इतने सालों से सर उन्होंने कभी भी सक्सेस को वैसे ही नहीं किया हमेशा काम रहे वो कभी अच्छा हुआ खराब हुआ सब वो ऐसे ही रहे हमेशा करेक्ट तो वो उनकी सर क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है आप लोग जब सब लोग ये ऐसे करके होते हो <laughs> अब क्या बात कर रहे होते हो सर वो हर्डल में बात करते है सर हर्डल में जैसे एक्सकीपर ने बात किया कि अभी हम लोग इंटेंसिटी अच्छा रखेंगे अच्छा और बॉलर्स को बोलेंगे खूब सारा डॉट बॉल्स डालना है प्रेशर क्रिएट करना है और सर्किल में जो हमारे टॉप फाइव फील्डर है वो प्रेशर बनाना है और कोई इंटेंसिटी अच्छा रखना अच्छा। है तो वो फिफ्टी ओवर्स साढ़े घंटे सर वो सब लड़के आते हैं और इन्जॉय करते हैं तो अब जितना आप जितना ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हो ग्राउंड पे और कंट्रीज जितने सारे फैंस आते हैं सर अब मुझे अभी भी याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी वर्ल्ड कप का था सर 2015 ऑस्ट्रेलिया में तो हम जैसे ही घुसे और नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ सर तो छाती ऐसे चौड़ी होगी सर तो वो सर वो फील अलग है सर वो दो हम लोग अच्छा नहीं खेले सेमीफाइनल मैच में बट ये स्पोर्ट है सर एक मैच दो टीम खेलती है एक जीतती है एक हारती है तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि अप्रीशिएट करना चाहिए चीज़ चीज़ों को क्योंकि हम लोग सोते नहीं सर रात को जब हारते हैं नो डाउट कि सब फैंस दुआएं करते हैं सब करते हैं लेकिन अगर क्रिटिसाइज अच्छे वे में होगा तो वो सर अच्छा लगेगा वो कभी कभी कुछ लोग पर्सनल होते हैं तो तकलीफ नहीं होती सर लगता है कि अभी जैसे हाल ही में आ, विराट आउट हुआ था तो बहुत अननेसरी सोशल मीडिया पे काफी फजूल की बातें नहीं वो गलत है सर वो क्योंकि वो जितना उसने इतना अच्छा किया है सर मैचेस के लिए वो सर आपको अलग हो जाता है फिर वो थोड़ा प्लेयर को लगता है कि वाई मी कि मेरे पीछे क्यों वो बात करे मुझे भी अपनी लाइफ है बट दुआएं इतना लोग करते हैं लेकिन प्लेयर अगर खुल के खेलता है तो जैसे मैंने पहले बोला एंजॉय करेगा तो सर वो उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग आता है सर वो क्रिकेट के अलावा क्या पैशन है आपका कुकिंग करता हूँ कुकिंग करते हैं जब इंग्लैंड में सर मैं काउंटी खेलने गया था छोटा था सबसे प... तो दो महीने में अकेला रुका था वहाँ पर तो उस टाइम से इतना बात भी नहीं करना आता था आपको प्रोफेशनल एकदम टेबल पे एकदम अच्छे से वो खाना कुछ देसी था सर मुझे पता ही नहीं था <laughs> <laughs> तो सब उधर खाना फिर थोड़ा कभी दाल बना ली और स्टीम राइस जो हॉस्टल से सीखा था तो वो सब काम आया सर उधर जो मेरे गोरे प्लेयर थे मेरे साथ जो खेलते थे उनको इंडियन खाना अच्छा लगता था और गुरुओं के साथ इंग्लिश में बातें करनी है और आप अपने आप को मीडियम स्कूल से थे नहीं सर हिंदी मीडियम स्कूल हिंदी बिल्कुल सर बोल बोल के सर सीखनी पड़ी वो अच्छा तो इतना मैंने भी पैसे सीखी है <laughs> मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही था तो कभी-कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था सर उनकी डू यू लाइक सम वाटर ऐसे करके बात करके तो हमारी तो <laughs> <laughs> हमारी टीम का सर, जो, जो सर। लोगों को पता नहीं लगता है, नहीं, लगता है। जो कॉमेडियन सबसे ज्यादा है सर वो धोनी भाई है क्या बात कर रहे हो अभी तो आप ग्राउंड में रहते हैं वो अच्छा हां और जब रूम में आएंगे तो आपसे बात करेंगे और उनको लगेगा कि कुछ ऐसी बात बोलेंगे हंसने लगेंगे सर सब लोग अच्छा और विराट उनके साथ बात करके और शिखर धवन तो सर वो तो अल्टीमेट है सर वो अच्छा वो कुछ ऐसी चीजें करता है सर तो एकदम आप हंसने लगोगे वो हंसता भी एकदम वैसे है सर वो डाकू टाइप <laughs> 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 ऐसे हंसता है <laughs>